बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की अहम खबर का। तो लोकसभा के रण का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वहीं भाजपा के घोषणा पत्र का इंतजार आज खत्म होने वाला है। आज अंबेडकर जयंती के दिन भाजपा अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र कमेटी बनाई गई है। भाजपा ने संकल्प पत्र के लिए अलग अलग माध्यमों से जनता से करीब 5 लाख सुझाव लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के संकल्प पत्र में विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब और किसान पर फोकस किया जाएगा। संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी शामिल होगा। इसका थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 रहेगा। पिछले दिनों कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जनता को 25 गारंटियां दी है, जिसमें गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रूपये दिए जाने का वादा भी है। तो महिला, युवा, किसान पर फोकस होगा। न्याय पत्र बनाम संकल्प पत्र है आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, जिसका नाम उन्होंने न्याय पत्र दिया है, वो जारी कर दिया था, जिसमें 5 न्याय, 25 गारंटी, 330 से ज्यादा वादे कांग्रेस ने किए हैं। उसके बाद से ही सबको भाजपा के घोषणा पत्र का इंतजार था, अब ये इंतजार आज खत्म हो जाएगा। भाजपा का घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। इसमें विकसित भारत पर ज्यादा फोकस रहेगा, वहीं महिला, युवा, गरीब पर भी भाजपा का फोकस रहेगा। तो जनता से गरीब 5 लाख सुझाव मिले हैं भाजपा को अपने घोषणा पत्र के लिए। आपको बता दें कि संकल्प पत्र में विकसित भारत का जोर दिखेगा, महिला, युवा, गरीब और किसान पर भाजपा का फोकस होगा। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा भी भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल हो सकता है। तो थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047, जनता से करीब 5 लाख सुझाव भाजपा को मिले हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र की बात करें तो अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं को हर साल 1 लाख भत्ता देने का वादा किया है। वहीं नौकरी में 50% महिला आरक्षण का वादा है। 30 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के न्याय पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी और 330 से ज्यादा वादे किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की भी उम्मीद है। वहीं मोदी लगातार गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करते रहे। भाजपा अपने घोषणा पत्र में इनसे संबंधित मुद्दों को प्रमुखता दे सकती है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होने वाला है। वोटों की गिनती की बात करें अगर तो वोटों की गिनती 4 जून को होगी। तो आपको बता दें कि भाजपा के संकल्प पत्र यानी भाजपा के घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को प्रमुखता से बताया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक ही ज्ञान अर्थात JYAN फॉर्मूले के तहत गरीब, युवा, किसान और महिला पर इस संकल्प पत्र में विशेष फोकस देखने को मिल सकता है। तो आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने वाला है। तो